सर तबीयत खराब थी दिखाने गए वहाँ गए वहाँ भी देखे अब यहाँ पर आ गए कल उनसे मिले उनकी राय है कि पटना में होना चाहिए वो सब करके लोगों की राय से ये सब तय होगा लेकिन अभी कुछ जगह पर और बात नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूँ सांत्वना आपके साथ। बीती शाम आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की 15 से 20 मिनट तक प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और मंत्री विजय कुमार चौधरी के साथ मुलाकात हुई, जहां इस मुलाकात के कई बड़े मायने तो वहीं कई बड़े संकेत भी मिल रहे थे। इस अहम मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज बड़ी बात कह दी है, जहां इस मुलाकात में क्या कुछ बातें हुई, किन मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ, दोनों के बीच आखिरकार किन किन बातों पर सहमति बनी, उस पर नीतीश कुमार ने आज खुलकर अपनी बात कही है। बताते चले कि करीब 9 महीने के बाद आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पटना वापस लौटे, जहां पटना एयरपोर्ट से लेकर राबड़ी आवास तक उनके चाहने वालों और उनके समर्थकों का भारी हुजूम नजर आया। गरीबों का मसीहा नाम के नारे लगाए गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात के पहले लालू यादव अपने समर्थकों से मिले। बताते चले कि दिल्ली से वे अपने छोटे बेटे और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के साथ पटना आए, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। पटना पहुंचने के करीब 2.5 घंटे के बाद नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात हुई, लेकिन इस अहम मुलाकात में क्या कुछ बातें उन दोनों के बीच हुई ये सार्वजनिक नहीं की गई। हालांकि ये माना जा रहा है कि नीतीश कुमार ने अब जिम्मेदारी सौंप दी है लालू प्रसाद यादव को कि आगे की राजनीति और रणनीति साल 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर वो खुद ही सेट करें। अब जिम्मेदारी नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव को बड़े भाई होने के नाते उन्हें सौंप दी है, जहां लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार को ढांढस बांधते हुए कह दिया है कि घबराए के जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाए। यानी कि लालू प्रसाद यादव ने यह बड़ा संकेत दिया है कि उन्होंने वापसी कर ली है और वापसी पटना के साथ साथ अब बिहार की राजनीति में भी होगी और वो राजनीति में सक्रिय नजर आएंगे, जहां अहम मुद्दों पर फैसले निर्णय विचार विमर्श उनके द्वारा किया जाएगा। नीतीश कुमार को अकेले घबराने की जरूरत नहीं है। अब ऐसे में नीतीश कुमार ने मुलाकात को लेकर क्या कुछ बातें कही हैं, लालू प्रसाद यादव और उनके बीच हुई मुलाकात में क्या कुछ बातें निकल कर सामने आई और नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा है, छोड़ जाते हैं उनकी पूरी बातों के साथ। सर एक सवाल और है सर, लालू यादव जी आ गए, लालू जी आए हैं, आपके मुलाकात भी हुई है। सर तबीयत खराब थी दिखाने गए वहाँ गए वहाँ भी देखे अब यहाँ पर आ गए कल उनसे मिले। विपक्षी एकता को लेकर क्या कितनी सर मजबूती और बड़ी मीटिंग की बात आपने कही है? आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि हम बातचीत हुई है, और लोगों से बातचीत हुई है, उसके बाद तय हो जाएगा कि कहां पर क्या होगा। बहुत लोगों की राय है कि पटना में होना चाहिए, वो सब करके लोगों की राय से ये सब तय होगा, लेकिन अभी कुछ जगह पर और बात। जी भी नहीं कहा था कि बिहार आंदोलन, वो तो बोली हम उसमें क्या दिक्कत है, हम लोग खुश होंगे, सब लोगों की राय होगी तो जल्द सर ये माना जाए सर ये बैठक अभी आप सब मत करिए, चुनाव है चुनाव हो जाएगा, अभी तो सब लोग अलग अलग पार्टी जो लड़ रहे हैं उसमें है, तो उसके बाद ही आप समझिए ये होगा। अभी बहुत लोगों से बात हुई है, कुछ लोगों से और बात सर, लेकिन ये तय माना जाए कि बिहार से ही सांसद होगा, बिहार से ही सांसद होगा। बिहार में सब पार्टी के लोगों को बैठा के मीटिंग करना में क्या की नहीं, पहले जेपी आंदोलन भी यही से होगा, ये सब लोगों की राय के आगे भी कुछ और बात।